कृति अभी अपने हाल ही में एक फिल्म में भेड़िए का कैरेक्टर किया था, शानुदा की तरफ एक बार देखिए। अगर हमारे प्यारे से शानुदा को एक जानवर का कैरेक्टर करना हो कौन सा जानवर होगा वो? खूंखार बंगाल टाइगर। करेक्ट जवाब। गलत जवाब। करेक्ट जवाब। शानुदा जिस जानवर का किरदार निभाएंगे वो है सांप। शाहिद कपूर की फिल्म का गाना है दादा दस्से, दादा दस्से। दादा कौन है? दादा आप है। और दस्ता कौन है? दस्ता सांप है। जस्ट वाव हुसैन, जस्ट वाव। बेटा ऐसी जगह पे डसूंगा ना तो फ्लाइट में भी खड़ा होके जाएगा। इससे पहले कि दादा मुझे डसे, लेकर अपनी आवाज का फन 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 आ रही है अंजना पद्मना। फन फन फन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पहले देख चुका हूं। She won the Indian Idol, Junior Indian Idol, right? Yeah. Wow. Oh my God. You are so good, Anjana. आप इतने अच्छे हो, इतना अच्छा परफॉर्म करते हो। I'm super excited to see you again. Super excited. Thank you, sir. This means so much to me. आज वापस मैं एक पोल खोल के साथ आई हूँ, एक रास के साथ आई हूँ। हाँ, मैंने सुना आप चुगलखोर टाइप है थोड़ी। हाँ, I love it. जो हमारे पीयूष भैया हैं, वो एक्चुअली मैम आपके बहुत बड़े फैन हैं। क्या बात हो गई यार पीयूष भैया, यार मैं क्या उदासी छाई है। अरे यार तो परेशान होने कोई बात नहीं। अरे गुलाब गुलाब में कुछ नहीं रखा है, छोड़ो ये सब। मैं बताता हूँ, बात ऐसी है कि अब ना ये गुड बॉय वुड बॉय चलता नहीं मामला। एकदम बाएं वाएं चढ़ा के जाओ ऐसे, और बिना पान का है जाना नहीं। जैसे तुम बोलोगे ना, प्रीति मैम मोहब्बत हो गई आपसे और इतनी ज्यादा हो गई है कि कायनात भी हल्की लगती है। पान के बिना खाए जाना नहीं, पान लेके आ रहा है चांदी लगवा के। अरे यार ये सब क्या ज्ञान दे के जा रहे हैं यार। बहुत रिहर्सल की। तो पान वाला आइटम का है भैया, पान शादी तो लड़के से नहीं होती है, खाली लड़के के परिवार से होती है। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में जी मेरी बड़ी दीदी हैं श्रेया घोषाल जी, मेरे बड़े भैया विशाल ददलानी जी, हमारे बड़े ताऊ जी कुमार सानू दा, और उनके बगल में जो वो हैंडसम हंक है वो कौन है? वो मेरा जुड़वा भाई है एक्चुअली। देखो आप इंसान को प्रपोज नहीं कर रहे हो, आप रोबोट को प्रपोज कर रहे हो। तो ये गुलाब वन सेकेंड, आई प्रॉमिस मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी हार्ड डिस्क में सिर्फ और सिर्फ अच्छी मेमोरीज ही स्टोर करूंगा। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जा। 512 GB रैम की कसम तुम्हें कभी भी हैंग नहीं होने दूंगा। ओए होए, प्यार तो दुनिया करती है, मैं तो तुमसे पेयर करूंगा वो भी ब्लूटूथ के साथ। और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाए उसको मेरे प्यार के एंटीवायरस से गुजरना पड़ेगा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात। क्या तुम मुझे पूरी जिंदगी अपना पासवर्ड बनाना चाहती हो? इश्क इश्क सामे, वाह 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 वाह। मेरे पासवर्ड्स जो है ना वो आपके जुड़वा भाई के पास हैं।
ये जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फील होता है ना जब लाइव ये लोग परफॉर्म करते हैं, आज जैसे द वे शी परफॉर्म्ड, वो जो माहौल होता है वो घर पे यार उतना नहीं फील होता. तो एक्चुअली दे आर बेटर देन जो आपको लगता है ना, ये एक्चुअली उससे बेहतर गाते हैं. श्रेया और कृति, एक बात जो आप लोग बिल्कुल नहीं जानते वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. पहली फिल्म कृति जो आपने की उसके अंदर गाना गाया था श्रेया ने. ये तो मैं जानती ही नहीं थी. बिल्कुल नहीं जानते. आप ये भी नहीं जानते कि आपका जो सुपर हिट गाना है परम सुंदरी, वो गाना भी श्रेया ने गाया है. Are you serious? Oh my God. And उससे ज्यादा श्रेया इस वक्त यहाँ पर है. परम सुंदरी इज माई बिगेस्ट सॉन्ग. बहुत कम ऐसे गाने होते हैं आपके करियर में जो आपको एक टैग दे जाते हैं, यू नो. एंड आई एंड मेरी बहुत ही स्पेशल फिल्म का गाना है मिमी. व्हेन आई रिकॉर्डेड परम सुंदरी तब मैं 8 months प्रेग्नेंट थी. सो आई वॉज कैरिंग देवियन दैट टाइम. तो आपने जब ये गाना रिकॉर्ड किया, आप प्रेग्नेंट थी और मैं फिल्म के अंदर प्रेग्नेंट थी. एग्जैक्टली, लुक एट दैट कोइंसिडेंस. जब गाना रिलीज हुआ, देवयान वॉज ऑलरेडी इन माई आर्म्स. और ये मेरा आफ्टर बींग अ मदर फर्स्ट रिलीज एंड सुपर हिट सॉन्ग है उस वक्त का. और देवयान को सबसे पहले मैंने गोद में लेके बेहद डांस किया है. सो आई हैव सो मेनी मेमोरीज ऑफ हिम डांसिंग इन माई लैप ऑन परम सुंदरी. सो उसका वो बहुत फेवरेट गाना है. दैट इज सो स्वीट, आई डिडंट नो दैट. अब तो गाना बनता है. ओह बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स डू इट, कम ऑन. कम ऑन एवरीवन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर टू परम सुंदरी इज कमिंग ऑन स्टेज राइट नाउ. की तालियां लूटने आ रहे हैं छोटे सेठ जी कानपुर वाले वैभव गुप्ता. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे. आवाज बहुत रोमांटिक है यार. एंड थैंक यू मैम. वैलेंटाइन्स वीक आ रहा है, फीलिंग आ रही है. मैं ता कमली हो गई आज मैनु इश्क होया. थैंक यू मैम, थैंक यू. कृति मैम आपका बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूं मैं. सो
क्यूट। आपकी हर फिल्म देखी है मैंने, especially हीरोपंती मेरी फेवरेट है, मेरे टॉप लिस्ट में आती है वो। जब भी आपको देखता हूँ मैं तो ऐसा लगता है कि यार काश हीरो होता ना मैं। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। भले ही टाइगर श्रॉफ जैसी हीरोपंती नहीं आती मुझे, जो भी तूने कैसे या कार्तिक आर्यन जैसा क्यूट नहीं हूँ। किसने कहा? समझ के भी ना समझ मैं सकूं। बट आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये उत्कर्ष हमेशा आपका शहजादा है, था और रहेगा। सवेरों का मेरे क्या बात है उत्कर्ष। सूरज लागे तू मेरा कोई ना हो के भी। इससे ज्यादा स्माइल नहीं हो पा रहा है। जुबानिया तेरी झूठी भी सच लागे। इस उत्कर्ष की उत्कृष्ट हो। मैं बहुत पिंक हो रही हूँ। एक बार आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? बाहर देख अभी क्या हो रहा है। अपना बना ले तू। कृति मैम छोटा बच्चा है मैम, राखी वाखी बांध दो आप। बैठ जाओ। ये चमक ये अदाएं तेरी जुल्फ तेरी निगाहें मेरे दिल को पिघलाए रे। तेरे गाल के कोरे लागे चांद से ये माहिरे। खूबसूरत हो तुम माहिरे। वाओ, ये आपने खुद लिखा है। खूबसूरत हो तुम। मुझे इस गाने की एक कॉपी चाहिए प्लीज, ताकि मैं अपने पास रख पाऊँ और सुन पाऊँ। आपके लिए। एक दिल वो है और मुझे अचानक पीयूष का दिल मिला। Oh my God. Wow, yeah, Utkarsh, really well done. Really, really well done. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.